بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین دے واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے, رازق ہے, دستگیر ہے, گنج بخش ہے, اور درود و سلام آقا دو جہاں امام المرسلین امام المجاہدین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بھائیو بزرگو اور نوجوان عزیز ساتھیو اور پردے دے اندر میری روحانی ماؤں اور بہنوں, اللہ رب العالمین دے پاک کلام دے وچوں ایک مقام میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے اور اس مقام دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دا ذکر فرمایا ہے. اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے نال, صورت دے نال, اخلاق دے نال بھریا پیا. اللہ رب العالمین نے اس چیز نو ارشاد فرمایا کہ جڑے اللہ دے اور او دے رسول دے نال محبت کرن والے اور اس بات دا بھی علم انسان نو ہونا چاہیدا کہ دنیا دے اندر جس بندے دی محبت سب تو زیادہ جدے نال بھی ہوئی او دا فائدہ اور او دا نقصان یہ ہوئے گا جے تے او لوگ اللہ اور او دے رسول دے نال سب تو بڑھ کے محبت کرنے والے ہوئے تو روز قیامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے ہوں گے. ہاں اگر اے زمین تے رہن والا کوئی بندہ اللہ اور وہ دے رسول دی محبت تو بڑھ کے کسے ہور دے نال محبت کردا ہے, جس طرح کے بعض لوگ اپنے بزرگاں دے نال, اپنے آئمہ کرام دے نال
मोहब्बत इंतहा कर दे आ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाम तो बढ़ के उना दी इज्जत और एहतराम भी उना दा ही कर दे आ। मोहतरम सामी ने कराम ऐसे लोग रोजे क्यामत नू उना दे नार ही होंगे। जेड़े लोग अल्लाह दे महबूब अली सलातो सलाम दी मोहब्बत नू कम समझ के और अपने बजुर्गां नू ज्यादा उना दी अहमियत समझ के ते उना नू मुकाम भी ज्यादा देना और साडे मुकाम साडे माशरे दे अंदर ए बात आम पाई जांदी है कि बाद मसलक और बाद मसलक दे लोग अल्लाह दे महबूब अली सलातो सलाम दी इज्जत नू कटा के ते अपने इमामा दी बदा के ते उना दे मगर लग जांदे आ। हालांकि कानून यह है शरीयत ने सानू बात यह समझाई है कि जिथे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान आ जाए कुरान दी कोई आयत आ गई नबी दी कोई अहदीस आ गई और उहदे मुकाबले दे अंदर किसे भी इमाम दा कोई कोल आ गया उहनूं चाहीदा इदां कि अपने इमाम दा कोल खत्म करे उहदे तों पिछे हटे और अल्लाह दे महबूब अली सलातो वसलाम दा फरमान अपने सीने नाल लाए। इस नूं मुहब्बत कहा जांदा है ना के इमाम दे कोल दे उत्ते अमल कीता जाए। मिसाल दे तौर ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुराने पाक दे अंदर बच्चे दे दुध पिलाण दी मुद्दत कामिल ने लफ्ज़ दे नाल मुकम्मल 2 साल बयान की थी। हां अगर कोई बंदा इस तो घट पिलाना चाहता है बच्चा सेहतमंद हो गया रोटी खान लग गया उहदी मां दी तबीयत खराब है डॉक्टर ने मशवरा देता बच्चे का दुध छुड़ा दे वो अपने खामद दे नाल मशवरा करके ते 2 साल तो पहले भी बच्चे का दुध छुड़ा सकती है लेकिन मुकम्मल 2 साल ये दुध पिलाना मां दे उत्ते जरूरी आ ये बच्चे का हक है। लेकिन एक इमाम साहब पता की कहंदे आ वो कहंदे आ कि बच्चे नू 2.5 साल दुध पिलाया जाए हुण अल्लाह दा हुक्म यह है बच्चे नू 2 साल पिलाओ इमाम साहब दा कौल यह है कि 2.5 साल पिलाओ। हुण असीं इमाम साहब नू कहिए कि इमाम साहब तुहाडी इज्जत तुहाडे मुकाम नू असी सलाम पेश करते हैं लेकिन असी हुक्म अल्लाह का मनना हुक्म नबी का मनना क्योंकि अल्लाह उहदे रसूल ने सानू हुक्म दिता है और शरीयत दे उत्ते अमल करना इंसान दे वास्ते इंतहाई ऐन जरूरी है। इमाम दे कोल नू तर्क करन लई ओ बंदा जहन्नम का बालन नहीं बन सकता। हां जी अगर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान नू तर्क करता है तो फिर
वह जहन्नम का बालन बन सकता है, अंदर कोई शक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की ऐसी तरबियत की थी कि सहाबा पूरी तरह दीन के मामले के अंदर पूरी तरह अमल करके दिखाया। और सहाबा की मुहब्बत अल्लाह के महबूब अल इस्लाम नाल कितनी आ। और अगर इस जमीन के उत्ते अगर कोई बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल पूरी तरह खालिसतन मुहब्बत करने वाला है तो वो आज भी एक जमात मौजूद है, क्यामत तक वो जमात मौजूद रहेगी, क्यामत दियां दीवारां तक अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम दे नाल ओदा ही मुहब्बत करनगे जिवें सहाबा ने करके दिखाई आ। असहाबा की मोहब्बत अंदाजा लगाइए। कुराने पाक सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। असहाबा की मोहब्बत अंदाजा लगाइए। मेरे महबूब अलैहि सलातो सलाम का एक परवाना इंज आप दे नाल मुहब्बत करदा और बहुत ज्यादा मुहब्बत इंतहाई ज्यादा अपने वालिदैन तो बढ़ के मुहब्बत, अपने बीवी बच्चियां तो बढ़ के मुहब्बत, अपने दोस्तों नालों बढ़ के मुहब्बत, अपने रिश्तेदारों नालों बढ़ के मुहब्बत, दुनिया की हर चीज तो बढ़ के ये मुहब्बत करने वाला अल्लाह के महबूब अलैहि सलातो वसलाम दे नाल। देखी अल्लाह के महबूब अलैहि सलातो वसलाम दे कोल एक दिन इंज आके बह जांदा, कहिंदा अल्लाह के महबूब अलैहि सलातो वसलाम जदों मैं घर होवां ते परेशान हो जाना, मैं जे किसे काम ते जावां ते मेरा दिल कोई नहीं लगदा, इंज घंटे जिहड़ा है ना मैं गिण गिण के गुजार दावां। अल्लाह दे महबूब अलैहि सलातो वसलाम जदों तक मैं तुहानू देख ना लवां उदों तक मेरे सीने नू ठंड नहीं पैंदी, जदों तुहानू वेख लवां ते फिर मैनू सुकून आ जांदा है, मैनू इत्मीनान आ जांदा है, मेरा दिल खुश हो जांदा है, इन्हां अखां नाल तुहाडा मैं चेहरा वेख लैना ते मैनू सरूर आ जांदा है, दुनिया की हर शह भुल जांदी है, दिल मेरा इदां करदा है कि मेरे सामने तुसी बैठे रहो ते मैं तुहाडा मुखड़ा तकदा रहां, तुहाडे सामने तुसी मेरे सामने बैठे रहो मैं मुखड़ा मुखड़ा तकदा रहां। लेकिन अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम अज मैं दिली तौर ते परेशान बहुत ज्यादा वा, बड़ियां परेशानियां लगियां ने, रात गुजरी है सुकून दे नाल नींद नहीं आई, कम ते गया वा मैनू सुकून नहीं आया, ते मैनू बच्चे मेरे कहंदे ने कि खाना खा लै, मैं खाना नहीं खा रहा, दिल नहीं करदा खाने नू, एक चीज याद करन तो बाद मेरा सुकून खत्म हो गया है, इत्मीनान खत्म हो गया है, ते ओ पूछण वास्ते मैं तुहाडे कोल आया वा। अल्लाह दे महबूब अलैहि सलातो वसलाम मैं तुहाडे कोलो बात पूछण वास्ते आया वां, ते मेरे महबूब अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने ओ मेरे परवाने दस केड़ी बात ने तेनू परेशान कर दिता है। कहिंदा अल्लाह दे महबूब अलैहि सलातो वसलाम जिस वक्त मैं अपनी मौत नू याद करदा वां, इन्नी जकर तो मौती व मौतू का, जिस वक्त मैं अपनी मौत नू याद करदा वां ते तुहाडा दुनिया तो जाना याद करदा वां कि हमेशा कोई नबी इस दुनिया दे उत्ते नहीं रहा, तुसी भी एक दिन अल्लाह दे हां मुलाकात कर लोगे ते मैं भी जड़ा ना अल्लाह दे हां चला जावांगा, दुनिया दे अंदर इन्नी मुहब्बत है कि तुहानू देखने तो बाद मैनू सुकून ते इत्मीनान आ जांदा वा, लेकिन मैं इस बात नू सोचदा वा जे तुसी दुनिया तो चले गए, जे दुनिया छोड़ गए ते फिर मेरा की बनेगा, जे अगर मैं तुहाडे तो बाद जिंदा रहा ते मैं ते दुनिया दे विच नहीं रह सकदा, जे मैं भी फौत हो गया ते फिर मैदान-ए-माशर दा दिन होएगा,
ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਿਆਂ ਜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਤੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਨਮੀ ਜਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਅਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਜੰਨਤ ਲੱਭੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਏ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇੰਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਈਤ ਇਲਾਹ ਵਰ ਰਸੂਲ ਫਾਉਲਾਇਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਦੀਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੋਹਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। اے میرے محبوب دا جڑا پروانہ آیا سی پوچھن واسطے، دل مطمئن ہو گیا کہ میں زیادہ نمازاں پڑھاں گا، زیادہ جڑا نا نیکی کراں گا، تے مینوں انبیاء دا نبی دا ساتھ مل جائے گا۔ لیکن آئیے سنیے، اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک ہور بندہ چلدا ہویا آیا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام، میں اے پوچھنا چاہنا وا، قیامت کدوں آنی ہے؟ تسی قیامت دا ذکر کردے رہندے ہو، ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜੰਤੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਹਨਮੀ ਜਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਏ? ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਓਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਆਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਆਮਤ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦ ਉਲਮਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇਕ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰਾ ਫਲਾਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਸੁਣਤਾ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਏ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ
फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह और ओदे रसूल दे नाल मोहब्बत करेगा ते ओ ही फिर जन्नत दे अंदर भी उना दे नाल ही होएगा जिन्हां नाल मोहब्बत करेगा। आइए सुनिए, मैं अपने महबूब अलैहि सलातो व सलाम दे अखलाक दा जिक्र करा, आ नबी दी सीरत दा जिक्र करा। तेनू केड़ी कमी नजर आई है जेड़े तू मेरे महबूब दे फरमान नू छड़ के ते इमामा दे कोल दे मगर पै गया वा। तो इमाम दे कोनू इन्ना ही अहमियत दे रहा वा, कुरान दी आयात वल गौर नहीं करदा, नबी दे फरमान वल गौर नहीं करदा। केड़ी कमी वेखिए कुरान दे अंदर, केड़ी कमी वेखिए मेरे महबूब दे फरमान दे अंदर। आइए सुनिए, मेरे महबूब अलैहि सलातो सलाम दे हुसन दा जदो जिक्र आंदा, हुसन दे अंदर भी मेरे महबूब आला, सीरत सूरत दे अंदर भी आला, अखलाक दे अंदर भी आला, मेरे पैगंबर दिया मेरे पैगंबर दे अंदर बेशुमार खूबियां ने। आइए सुनिए कुरान पता की कहंदा है, लकद खलकनल इंसाना फी अहसनी तकवीम। आइए कुरान सुनिए, मैं अपने अपने महबूब अली सलातो सलाम दी मोहब्बत दा जिक्र करा, आप दे हुसन दा जिक्र करा। कुरान ऐलान फरमा रहा, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबशिरन व नज़ीरा। ते मौलाना साहब इंज मेरे महबूब अली सलाम दे नाल मोहब्बत दा अंदाज करदे ने, अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया, अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया, जावां सदके मैं हुसने आका तो जिन्हें शमसो कमर शर्मा छड़िया। अल्लाह बदर मुनीर बनाया ए नाले लगब सिराज अताया ए, जिन्ना वेख्या ए हुसन आका दा ओना अपना आप लुटा छड़िया। आइए सुनिए, जिस बंदे ने भी मेरे महबूब अली सलाम नू एक दफा वेखने नाल उन्हें अपने घर बार नू लुटा दिता है, अपने बच्चियां नू अपने वालिदैन नू हर चीज नू लुटा दिता है। आ मेरे महबूब अली सलातो सलाम दे परवाने इंज जड़ा ना, एक सफाना बिनते हाकिम रजी अल्लाह ताला अनहा इंज सफाना है, ये जड़ा ना इनू मेरे महबूब दे परवाने यमन दे विचो दूसरे लोगां दे नाल पकड़ के ले आए ने। यमन दे अंदर उस वक्त सईदना अली रजी अल्लाह ताला अन गवर्नर सन, और ओ दे अंदर एक तय कबीला सी, उस तय कबीले वाले ने बगावत दा ऐलान कीता है। तो सईदना अली रजी अल्लाह ताला ने सारियां नू गिरफ्तार करके मेरे महबूब अली सलातो सलाम दे कोल पहुंचा दिता ने। ये सारे दे सारे मदीने अंदर पहुंच गए, मेरे महबूब अली सलातो सलाम दे सहाबा ने इन्हां नू रस्सियां नाल बन के ते सुतूतां सुतूनां नाल बन्निया होया है। अल्लाह दे महबूब अली सलाम दी आदत मुबारक आई सी, क्योंकि मेरे महबूब दा अखलाक आला सी, इस वास्ते मेरे महबूब इंज घरों आंदे ते उन्हां कैदियां दे विच जिहड़ा फिरदे जिहड़े गिरफ्तार होणे उन्हां नू वेख लैणा, अगर कोई बंदा तंग है ते मेरे महबूब हुक्म देंदे रस्सियां इहदियां ढीलियां कर दिओ, अगर किसे नू भुख लगी हुंदी मेरे महबूब फरमांदे कि इन्हां नू लिया के खाणा खिलाओ, अगर कोई बंदा इंज पाणी दा प्यासा है मेरे महबूब अली सलातो सलाम इंज पाणी दा हुक्म देंदे कि इन्हां नू पाणी पिलाओ, उन्हां नाल किसे किस्म दा जुल्म ना होवे। ते इन्हां दे अंदर जिहड़ा ना सफाना बिनते हाकिम रज़ी अल्लाह ताला अनहा भी मौजूद ने, जदों इसने मेरे महबूब नू वेख्या गुजारिश कर दिए कि अल्लाह दे महबूब जी एक मेरे कोल आके गल ते सुन लो, मेरी एक दरखास्त है तुहाडे सामने, जे अगर तुसी मेरी पूरी कर दियो। मेरे महबूब अली सलाम फरमांदे ने, हां दस केड़ी दरखास्त है। अल्लाह दे महबूब अली सलातो सलाम जेड़ा मेरा वालिद हुंदा सी, जेड़ा मेरा वालिद सी वह मशहूर सी इलाकियां दे अंदर, अगर कोई बंदा ओहदे घर दे अंदर आ जाए दरवाजा खड़का दवे ते मंगण वास्ते आया ते ओ जिहड़ा ना कदी भी खाली नहीं मोड़दा सी, ते जिहड़े गरीब लोग सी उन्हां उत्ते बड़ा रहम करन वाला सी। अल्लाह दे महबूब जी तुहाडे बारे दे अंदर ते सुणिया तुहाडे जैसा कोई रहम दिल है ही कोई नहीं,
ते मेरे महबूब ने फरमाया की कहना चाहनी है। अल्लाह दे महबूब अली सलाम मैं ये कहना चाहनी है कि तुसी मेनू आजाद कर दियो, ये मेरे ते एहसान करो और मेनू जेड़ा ना तुसी आजाद कर दियो। अल्लाह दे महबूब अली सलातो सलाम ने आपने फरमाया कि ठीक है मेरे साहबा, इहदियां रस्सियां खोलो और इन्हू आजाद कर दो। उन्हू आजाद किया ते आप नू वो देख चुकी सी। आजाद होने तो बाद फरमाया अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम मेरा दिल ये करदा कि मैं कलमा पढ़ के ते फिर अपने इलाके च जावां। और उसने ये भी गल की थी कि मेरा जेड़ा वालिद है ना वह तो हो गया फोत और मेरा भाई जेड़ा आदि सी ना वो तुहाड़ी फौज तो तुहाड़े साहबा तो डर के शाम दे वल चला गया, हुण मैं कल्ली रह गई हाँ। तो जेड़ा ना तुसी कोई ऐसा इंतजाम करो कि मैनू यमन वाल मेरे इलाके च पहुंचा दिओ। मेरे महबूब ने फरमाया कुछ इंतजार कर, चलो कोई रिश्तेदार उधरों आंदे आ, कोई यमन वाले आंदे आ ते तेनू भेज देंगे। आखिर आप अली सलाम ने इंतजाम फरमा लिया। वो जान लगी आ, आपने एक सवारी उन्हू दीती, उन्हू कपड़िया का जोड़ा दिता। आपने फरमाया भी जाओ इनू यमन के अंदर ये इलाके के अंदर छोड़ के आओ। साहबा गए, उन्हू छोड़िया ते उत्थों जड़ा ना तलाश कर दिया हुई अपने भाई आदि नू मिल लई। हुण अपने भाई नू पता की कहिंदी आ भी तू चंगा रहा मेरे बारे च, अपने बीवी बच्चियां नू लैके सैड ते हो गया ते अपनी बहन नू छड़ दिता तू। ते वह दूरों ही माजरत करन लग गया, मुआफिया मंगन लग गया, गलती हो गई मेरे कोलों। हुणे पता की कहिंदी आ भी चल अल्लाह दे महबूब अल इस्लाम नाल तेरी मुलाकात करावा। उसने जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अखलाक सुनिया, आप दे किरदार दे मुतल्लिक उसने सुनिया, वो फौरन राजी हो गया। मदीने दे करीब पहुंचा, साहबा ने कहा अल्लाह दे महबूब अल इस्लाम अदी आ रहा। आपने फरमाया आया अल्लाह इंदो, वो आया। आप अली सलाम ने फरमाया अदी किदा आया, उदो ते तू भज गया सी, शर्मिंदा अपना सर चुकाया। अल्लाह दे महबूब अली सलाम तुहाड़ियां खूबियां बड़िया देखियां, तुहाड़ा अखलाक मैं बड़ा सुनिया ते मेरा भी दिल किया कि मैं भी क्यों ना मुसलमान होवां। मुसलमान हो गया। आप अली सलाम ने फरमाया अदी मैनू एक गल ते दस, यमन के जेडे लोग आ अमीर तरीन उन्होंने को मालो मता लेना। फरमाया जी। आपने फरमाया भी हुण तू उन्हूं लै नहीं सकता। फरमाया हजे साहबा दी जमात हजे करीब आ। फरमाया वो सारा माल जमा करके सईदना अली नूं दे और मदीने अंदर पहुंचेगा। फरमाया ठीक अल्लाह दे महबूब अली सलातो सलाम, मैं कलमा पढ़ लिया, हर तरह मैं तुहाड़ी ताबेदारी करन वास्ते मैं तैयार हाँ। और आप दे अखलाक दियां बातां पूरे शहर के अंदर फैलिया हुई सी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर भी आपका जिक्र फरमाया, फरमाया वा इन्नका लआला खुलुकिन अज़ीम। आप अलैहि सलातो वसलाम नू अल्लाह ने खुलके अजीम अता फरमाया सब तो बढ़ के। एक बंदा आया मां जी सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला दे घर दा दरवाजा खड़काया, बाहरों आवाज मार के कहिंदा कि मैं फलां वां ते मेरे आने दा मकसद ए आ कि मैं अल्लाह दे महबूब अलैहि सलातो वसलाम दे अखलाक दे मुतल्लिक पूछना चाहना वां। ते मां जी सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदियां ने
तू कुरान नहीं पढ़िया? पूरा कुरान अल्लाह ने मेरे नबी का अखलाक बना दिता। उन्हें सुनिया और सुनने तो बाद वापस चल गया। मैं ये बात सुनानी चाहना कि मेरे महबूब के नाल सहाबा की मुहब्बत इंतहा तो ज्यादा। अज का मुसलमान है जिहड़ा नबी की मुहब्बत को तरजीह नहीं देता। अगर मुहब्बत होए तो मस्जिदां भरिया होण, मुहब्बत होए लोग सच बोलन, झूठ नूं छड़ देण। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत होए तो सूद तो नफरत करन, सूद दा बाइकाट करके ज़कात अपने मालां दे विचों देण। मोहतरम सामिने कराम, अब मेरे महबूब का एक परवाना ना अद्धी रात का टाइम आ ना मेरा की हजरत रबिया बिन काब रजी अल्लाह तआला अन इंज जेड़ा ना अपने घरों निकलिया, क्योंकि सहाबा नूं इन्नी मुहब्बत सी और रातां नूं भी नहीं सौंदे सी। मस्जिद नबवी जाके बह जाना, नफल नफल पढ़ने। जदों आप अली इस्लाम ने अद्धी रात नूं मस्जिद दे विच नफल पढ़न वास्ते आना ना तो सहाबा ने दीदार करना, और दीदार वास्ते बहना उन्होंने मस्जिद के अंदर। मोहतरम सामी ने कराम, हजरत रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह तआला एकदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वास्ते आप अलैहि सलातु वसलाम दे कोल आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अक्सर वजू करवा देंदा सी, पानी लैके बर्तन के अंदर मेरे महबूब के नाल नाल रहना। जब मेरे महबूब नु वजू दी वजू दी जरूरत पैनी ते फौरन वजू करवाना। मेरे महबूब दी अखलाक, मेरे महबूब दा अखलाक ते आप दी सीरत दे तज़किरे पूरी दुनिया के अंदर फैल चुके सी। आ देखिया जी, एक मक्के दे अंदर एक बंदा उन्होंने सफीर अपना भेजा चंद शहरां दे नाम लैके, फलां फलां शहरां दे अंदर जाओ ते जिहड़े उत्थों दे बादशाह ने उन्हां वल देखो, ते मदीने दे अंदर भी जाना, नबी वल ते उहदे सहाबा वल भी देखना, ते कोई गल नोट होए ते करके लैके आनी है। ये जिहड़ा सफीर सी ये दूसरे मुल्कां दे अंदर गया, हर एक बादशाह नूं मिल के ते उहदे जिहड़ा पैरोकार सी उन्होंने तरीकेकार भी वेखदा, उन्होंने मुहब्बत का भी अंदाजा लाता। इंज चलता चलता मदीने के अंदर पहुंच चुकिया, उधरों जिहड़ा ने नमाज का वक्त भी करीब है। मेरे महबूब अलैहि सलाम वजू कर वजू फरमा रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इंज मेरे महबूब के कोल जमा ने। इंज एक जिहड़ा ने मेरे महबूब का परवाना अपने हाथों उत्ते पानी पा रहा है, ते दूसरे मेरे महबूब दे परवाने इंज अपने हाथों नूं इंज थले करके वह जिहड़ा पानी सी वुज़ू दा उहदे छींटे अपने हाथों उत्ते लै के ते अपने जिस्म नूं मलदे पए ने। इसने तरीके नूं वेख्या और मेरे महबूब अली सलातु वसलाम अपना जिहड़ा ना लुआब जमीन ते गिराना चाहते। मेरे पैगंबर दे सहाबा नूं इतनी मुहब्बत होनी कि उस लुआब नूं अपने हाथों उत्ते गिरा के ते सीने नाल मल लैना, जरा ना बरकत समझ के अपने चेहरे नाल मल लेना, पानी दे कतरे इंज अपने जिस्म नाल मल रहे ने। ते इन्हें वेख्या सारा मंदिर ते मक्के दे अंदर पहुंच गया, ते मक्के दे जिहड़े सरदार सी बड़े बड़े सारे जमा हो गए ने कि सफीर पहुंच गया है, हुण सारियां दीआं बातां सुननियां शुरू कर दिंदा। जदों सुनिया वह कह लग्या मैं फलां इलाके दे अंदर गया, उन्होंने आ तरीका वेख्या लेकिन मैनू इन्ना पसंद नहीं आया। दूसरे तीसरे चौथे हत्ता के जेड़ा मेरे महबूब अली सलातु सलाम का जिक्र शुरू कर दिंदा, कहन लग्या कि मैं जरा मदीने के अंदर जरा ये मुसलमाना का नबी ओदा तरीका ते ओदे सहाबा दा तरीका वेख के आया, ते मेरे दिल नूं जिहड़ा ना ओह मेरा दिल उस तरीके ने मुतमिन कर दिता, ते ऐसी मुहब्बत जैसी सहाबा करते ने मैं पूरी दुनिया दे अंदर किसे नूं नहीं वेख्या जिन्हें अपने सरदार दे नाल इन्नी मुहब्बत कीती होए।
हुण दसना शुरू कर दिंदा है। कहिंदा लोगो सुन लो, मैं जदों मदीने दे अंदर पहुंचिया उस वक्त मुसलमाना दी नमाज दा टाइम सी। इंज जड़ा ना मैं देखिया कि जड़ा ना काफी सारे बंदे एक जगह ते जमा ने। मैं दौड़ के गया जल्दी नाल जाके वेख्या इत्थे की कर रहे ने। एक बंदा जड़ा मेरे वो मेरे महबूब नु इंज जड़ा ना वुजू करा रहा है। दूसरे साहब थलो जड़ा ना हाथ रख के ते पानी दे कतरे इंज अपने जिस्म दे नाल मल रहे ने। एहो जिहा तरीका मैं एहो जी मुहब्बत मैं किसी अंदर नहीं वेखी। साहबा दी मोहब्बत पूरी दुनिया के अंदर फैल गई है। आ सुनिए मेरे महबूब का परवाना हजरत रबिया बिन अकाब रजी अल्लाह तआला ने इज नबी पाक दे कोल आया है। अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम फरमांदे ने रबिया जी अल्लाह दे महबूब जी फरमाया वुजू करा। अल्लाह दे महबूब जी हाजिर हाँ, बर्तन दे विच पानी लिया होया है। मेरे महबूब अलैहि सलाम नु वुजू करा रहा। जदों वुजू करा दिता ते मेरे महबूब अली सलाम तो सलाम प्यार ते मुहब्बत दे नाल पता की कहंदे आप अली सलाम फरमांदे ने फकौल अली सल फरमाया रबिया जे तेरे दिल दे अंदर कोई हसरत है, जे कोई शह मंगनी चाहना है, जे कोई सवाल करना चाहना है ते दस मैं तेनू अपने रब कोलो लैके दे दवां। क्यों अल्लाह दे महबूब अली सलाम दी अपने रब नूं कहण अल्लाह फौरन दुआवां कबूल करने वाला है। आ देखिया जे एक फरिश्ता आया अल्लाह दे महबूब अली सलाम सामने जिहड़ा ना पहाड़े जे तुसीं सोने दा कह दो ते मैं कर दवां। आप अली सलाम ने फरमाया जी आप पहाड़ जड़ा है ना मेरे वास्ते सोने का बना दिता जाए, मैं जरा बराबर भी ना रखा है, सारा पहाड़ सोने का गरीबा के अंदर मैं जड़ा ना तकसीम कर दव। आप अली सलाम फरमाते ने मंग मेरे को की मंगना है ते साहबा ने पता की मंगना सी। एक ही बात जिहड़ी मैं पहले भी सुना चुकिया वा सहाबा उही बातां मंगण वाले उही दिल दे अंदर चाहत रखण वाले कहण लगे अल्लाह दे महबूब अली सलाम असअलुका मुराफकतका। फरमाया कि मैं जिहड़ी चीज मंगना चाहना मैं रोज़े क़यामत नूं तुहाडा साथ मंगना चाहना, मैं तुहाडी रफाकत मंगना चाहना, रोज़े क़यामत नूं मैनूं तुहाडा साथ मिल जाए। तो आप अली सलाम ने दुआ की। मुहतरम सामने करा ये साहबा की मुहब्बत है। जदों कलमा पढ़िया इस्लाम के दायरे च दाखिल होए फिर नहीं किसे वल भी देखिया, बस अल्लाह के महबूब अली सलातो सलाम के नाल अपनी पूरी जिंदगी बसर की। वाले दैन के गुस्ताख नहीं सी साहबा, उन्हां नाल भी मुहब्बत करते सी। जो अल्लाह ने हक रखिया वाले दैन नाल उन्हां दी खिदमत करदे सी। और इसी तरह अपने बीवी बच्चियां नाल भी मुहब्बत, रिश्तेदारां नाल, दोस्तां नाल, लेकिन सारियां दी मुहब्बत कुर्बान करके अल्लाह दे महबूब अलैहि सलातो सलाम दे नाल मुहब्बत करदे सी। एक हदीस समाप्त फरमाइए जनाबे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला एक दिन मेरे महबूब दे नाल जा रहे ने। रास्ते दे अंदर मेरे महबूब ने इंज पूछ लिया, फरमाया उमर जी अल्लाह दे महबूब जी, फरमाया तू मेरे नाल किन्नी मुहब्बत करदा वा। अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम हर चीज तो बढ़ के मैं हाँ दुनिया की हर चीज तो बढ़ के, लेकिन नाल ये भी कहता अल्लाह दे महबूब जी अपनी जान तो इलावा, सिर्फ अपनी जान तो इलावा हर चीज तो बढ़ के तुहाडे नाल मुहब्बत करदा। तो आपने पता की फरमाया, आपने ये नहीं फरमाया चलो ठीक आ हर चीज तो बढ़ के तो मेरे नाल करदा ही हाँ तेरी अपनी खैर आ, ये नहीं बात फरमाई। आप फिर फरमाया ला यूमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। फरमाया उदों तक ते बंदा मोमिन बन ही नहीं सकता, मुसलमान उदों तक बंदा रह नहीं सकता जदों तक अपनी जान तो भी बढ़ के मुहब्बत ना मेरे नाल कर लवे। हुण असीं देखिए कि असीं इमामा दे कोलां नूं की तरजीह देने आ। मोहतरम सामिने कराम